मंथ नेम फॉर्म होगा। अगर मान लीजिए मंथ इंटीजर में, मंथ आपका इंटीजर में, तो मंथ नेम फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे एम एस जी बॉक्स के अंदर इसका रिजल्ट देखेंगे, मंथ नेम फॉर्मूला में मान लीजिए मंथ को हमने इसमें डाला 12 डाल दिया, तो ये आपका दिसंबर रिटर्न करेगा। क्या इसी मैंने कॉमा कर दिया, कॉमा में हमने ट्रू कर दिया, तो क्या रिटर्न करेगा, डीएस डैश शॉर्ट में। तो एक्सेल में आपके पास जो है ऐसा फॉर्मूला नहीं है, एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, चूज कर्व फॉर्मूला लगाते हैं या इफ कर्व फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप इस अपने लिए एक्सेल का फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे, यहां पे लिखिए फंक्शन एम अंडरस्कोर नेम, मंथ नेम तो नहीं दे सकते ऑलरेडी फॉर्मूला नेम है इसलिए, और यहां पर हम करते हैं एन एज ए बाइट। बाइट क्यों लिया, क्योंकि सर पता ही कि 12 से ज्यादा नहीं होगा, खामा का बड़ा क्यों लूंगा। नेम इंटीजर भी ले सकते थे यहां पे, नेम इक्वल टू मैंने यहां पे दे दिया मंथ नेम, और यहां पे हमने एन कर दिया और छोड़ दिया। अब यहां हम यहां पे लगाते हैं एम अंडरस्कोर एन फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं मंथ। अब चाहते हैं कि शॉर्ट और फुल का भी एक्सेस दे, तो यहां हम क्या करेंगे, कॉमा हम यहां पे सी एज ए बुलेन कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे कॉमा सी कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते समय अगर मैं यहां पे ट्रू लिख दिया, क्या लिख दिया, ट्रू, तो जैन आएगा, जैन फाइव आएगा। अगर मैंने यहां पे फॉल्स लिख दिया तो क्या हो गया, जनवरी फरवरी आ जाएगी। ये आपका मंथ नेम फॉर्मूला, और मंथ नेम फॉर्मूला के जैसा ही होता है वीक नेम फॉर्मूला। यहां पे देखेंगे वीक डे नेम फॉर्मूला, वीक डे नेम फॉर्मूला उसी तरीके से आपका नंबर तीन को ट्यूजडे में ट्रू कर दो, ट्यूजडे में कन्वर्ट करता है। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, आप ट्राई कीजिए जी।